बड़ी खबर दिनारा से आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े एक व्यापारी को लूटने का प्रयास किया गया। कट्टे से गोली भी मारी गई जो कि व्यापारी के बगल से निकल गई। फिर उसके बाद उस पर हॉकी से वार भी किया। बताया जा रहा है कि दो बाइकों पर तकरीबन 6 लोग सवार थे। वहीं बुरी तरह घायल अवस्था में बदमाश घायल को छोड़कर भाग गए। दिनारा के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं चतुर्भुज कंधारी, जिन पर हमला हुआ है। हमला तकरीबन सुबह 8 बजे हुआ, जब वे अपने घर से रुपयों से भरा बैग लेकर गेहूं मिल फूला माता के पास जा रहे थे, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। दिनारा के गल्ला व्यापारियों ने आज दिन भर दुकानें भी बंद रखी। यहाँ पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही। पीड़ित ने पुलिस की गाड़ी को हाथ दिया, लेकिन पुलिस ने गाड़ी नहीं रोकी। अगर पुलिस उस समय गाड़ी रोक लेती तो शायद ये हमला नहीं हो पाता और हमलावर गिरफ्तार भी हो जाते। वहीं व्यापारियों ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस किसी वाहन की वसूली करने के लिए उसके पीछे जा रही थी, जिसके चलते उसने व्यापारी को नहीं देखा, जिसके चलते 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए दिन भर आज बाजार बंद रहा। थाना प्रभारी ने बताया कि लापरवाही की सूचना मिलते ही SP ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। शिवप्रीत ग्राउंड रिपोर्टर राज्यवर्धन सिंह की रिपोर्ट।